दिया, चेक कर दे दीजिए। एक मिनट फोटो ले रहे। पहले उनको लेना दो, लेने दो, फिर फोटो ले लो। मैडम ये फोटो ले लेंगे भैया। मैडम चमक रहा चाहिए। आप ठीक है, मुझे वोट रहा आपके साइन नक्षत्र सब आ जाएगा। आ जाओ आंटी, ठीक आप हो थोड़ा साइन नक्षत्र लेना है ना। प्रधानमंत्री खड़ी हो जाओ। हां अभी ले लेंगे, वो ले लेंगे। करिए साइन करिए, करिए इधर आ जाइए बाबू। अरे यार मोबाइल आ रहा है, एसबीआई में डाल दो। सर फोटो मामा बहुत ही सेवा। हेलो, लेकिन आपको घर से फोन में मस्ती मत करो यार, बना दो यार आप थोड़ी बात। रूप से क्या चाहते हैं भाई? ये बाकी के मेरे भाई क्यों नहीं आ रहे? डोनेशन मैंने जो किया है वो प्रधानमंत्री की रक्षा कोष के लिए किया है, जो कोरोना के लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए मैंने मामूली सहयोग दिया है। और कुछ भी नहीं, जो कुछ कर सकता था वो काम किया है, समझे। भगवान और देगा तो और भी पैसे देंगे, है कि नहीं? ऐसा क्या विचार आया आपके मन में? आगे भी देंगे ना। क्यों विचार आया आपके मन में ऐसे कि ऐसा करना चाहिए? कि देश पे इतना बड़ा संकट, देश के ऊपर संकट आया तो हर आदमी का फर्ज होता है कि उसको सहयोग दे। मैं तो क्या, मैं तो वैसे भी स्कूल के लिए सहयोग सबका स्कूल को देता हूँ। आपका नाम बताइए। हाँ नाम बताइए आपका। हाँ पंडित राधेश्याम शर्मा, साईं नक्षत्र अजमेर। राधेश्याम जी शर्मा द्वारा जो साईं नक्षत्र के नाम से एक संस्था संचालित करते हैं, ये राजाकोटी स्कूल के पीछे इनका निवास स्थान है। और इन्होंने कल हमें आग्रह किया था कि हम पीएम केयर फंड में 1,15,000 रुपये का चेक कोरोना के लिए लड़ाई के लिए हम देना चाहते हैं। तो उसी के तहत आज हम यहाँ आए हैं। और ये जो बुज़ुर्ग बाबूजी है, इन्होंने 1,15,000 रुपये का ये पीएम के नाम से पीएम के अकाउंट में कोरोना की लड़ाई के लिए चेक दिया है। मैं इनकी व्यक्तिगत रूप से और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि ये बुज़ुर्ग लोगों के आशीर्वाद से ही हम जो है कोरोना की लड़ाई जीतेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। इसी ध्येय वाक्य पर काम करते हुए ऐसे सभी दानदाताओं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद इस देश पर, इस देश की जनता पर बना रहे तो निश्चित रूप से हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे।